हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी ईपीएस करते होंगे, ईपीएस ट्रांजेक्शन करते होंगे, लेकिन ईपीएस ट्रांजेक्शन पे कोई इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं और कोई कमीशन भी कम देता है। लेकिन आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो एप्लीकेशन जेन्युइन और काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है। मैं पिछले 3 सालों से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ और एक बेटर एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है और वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है इजी पे। इजी पे सबसे इजी इस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन पे कुछ परसेंट कमीशन भी दिया जाता है, प्लस इसके अंदर आप आईडी अपनी फ्री ले सकते हैं। आपको भी यदि आईडी चाहिए, इजी पे की फ्री आईडी चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पर मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और अपना नाम, जो रियल नाम है, और एड्रेस ही सेंड करना है। न कि मुझे आधार कार्ड सेंड करना है, न ही पैन कार्ड सेंड करना है। आपकी आईडी मैं बना दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर उसके अंदर आपको केवाईसी करनी होगी। दोस्तों, मैं नीचे दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और मैं आपकी आईडी फ्री में बना के दे दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारी सर्विसें आपको मिलती है। सारी सर्विसें इसी जगह मिलती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है और एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिलती है। यदि आपको ईपीएस आधार इनेबल ट्रांजेक्शन करने हैं तो भी एक ही एप्लीकेशन ओपन करना है, वो है इजी पे। और यदि आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो भी एक एप्लीकेशन ओपन करना है, वो है इजी पे। यदि आपको पैन कार्ड बनाना है तो भी कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना है, इजी पे। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पैड प्रमोशन नहीं है। इसके अंदर आपको एक एनएसडीएल की आईडी मिलेगी, उससे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंगूठा है, अंगूठे से ही आप पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको यूटीआई का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यूटीआई से भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं। यदि आपको इंडिविजुअल नहीं पैन कार्ड बनाना है, किसी के फर्म का पैन कार्ड बनाना है, किसी भी तरह का फर्म या किसी एनआरआई का बनाना है, एनआरआई का भी बना सकते हैं आप, यूटीआई से बना सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर मिलती है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस के लिए मत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आईडी लेनी है तो मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, वहां से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए। मुझे डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आपका नाम, आपका जो रियल नेम बैंक के साथ लिंक है, जो रियल नेम, प्लस आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी आईडी हाथों हाथ ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद में आपको केवाईसी करनी है, केवाईसी सबमिट करने के बाद में अप्रूवल होगी, उसके बाद में हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी।